आज इतनी शांति कैसे है एसएमपी में? ज़रूर ये तूफ़ान से पहले की शांति है। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तूफ़ान को झेलने के लिए पूरा तैयार हूँ। इन सबको अभी तक ये लग रहा है कि हम अभी तक एंड में हैं ही नहीं, एंड ये बगैर तैयारी के एंड वॉर में आ चुके हैं। बट अब इनको कौन समझाए, विदाउट कोल्ड फायर एंड वॉर हो ही नहीं सकती है। लेट्स बिगिन। वी आर हियर बाय टू अनाउंस अ वॉर ऑन यू ऑल। द रियल एंड वॉर बिगिंस नाउ। सो यस, लास्ट एपिसोड में हमने एंड वॉर से पहले ही एंडर ड्रैगन को मार के एंडर ड्रैगन एग ले लिया था। एंड देन जब एंड वॉर हुई, देन हमने बाकी सबको भी मार दिया एंड हम इजीली जो है वो एंड वॉर को जीत चुके थे। एंड अब मेरे हाथ में है इस एसएमपी का सबसे रेयरेस्ट आइटम। सो एंड वॉर के बाद एसएमपी में नेदरराइट आर्मर अलाउड हो चुका था, तो मैं भी चला गया नेदरराइट माइनिंग के लिए ताकि मैं भी नेदरराइट आर्मर बना सकूं। मेरे को जॉर्ड की दुकान अच्छी नहीं लग रही है स्पॉन पे, तो मैं जॉर्ड की दुकान तोड़ रहा हूं। मेरे को भी कोई ताही नाम का बंदा एसएमपी में अच्छा नहीं लगा। अरे बाबा, देखो अभी भी लगता तो मेरे को मार सकता है। मैं तेको मार सकता हूँ, लेकिन तेरी चिरक जाएगी, समझा? तेरी चिरक जाएगी, ले। एसएमपी के अंदर मेरा इतना खौफ हो चुका था कि मैं अगर एसएमपी में नंगा भी घूमू ना, फिर भी किसी के अंदर ये दम नहीं है कि आके मेरे को दो तीन हिट मार दे, क्योंकि डरते ही इतने थे बंदे मेरे से स्पॉन के ऊपर। बट उसी रात एसएमपी के अंदर जेबी, जो कि फिलहाल का प्रेसिडेंट था, उसने एक मीटिंग बुलाई। एंड उस मीटिंग में क्या हुआ आप खुद? हाँ, तो मैं बहुत दुखी होकर ये बता रहा हूँ कि मैं लीडरशिप त्याग रहा हूँ, बिकॉज तुमको पता होगा कि मेरे को पीएपी आती नहीं है। अरे 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 देखो, एज यू नो कि एक लीडर को पावरफुल होना जरूरी है, ठीक है? और मेरे पास कोई वैसी स्किल नहीं है, मैं पैसों के दम पे कब तक लीडरशिप चलाऊंगा, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो देखो, अगर एबिलिटी के हिसाब से देखो तो कोल्ड फायर मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? और सही है ना? सही है, सही है, सही है, सही है। आई नो ये जो हुआ आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। एसएमपी के अंदर थोड़े दिनों पहले हुए थे सेकंड इलेक्शन। फर्स्ट इलेक्शन के अंदर सकलेन जीत चुका था, लेकिन सेकंड इलेक्शन, अभी दूसरे इलेक्शन हो रहे थे जिनमें से अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया था। लेकिन इन इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जॉर्ड एंड जेबी, जिसमें easily one-sided JB जो है वो इलेक्शन जीत चुका था, बट फिर भी उसने ओनरशिप जो है वो मुझे दे दी। देखो एसएमपी का पहला रूल है कि सकलेन को मार दो। ओके, लेट्स गो। क्या? वेट वेट वेट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। ऑफ कोर्स शर्म कर लो, बंदे को मार रहे हो। अरे बाहर निकालो, एसएमपी में मैं थोड़े बहुत रूल्स डाल रहा हूँ, जैसे कि हर बंदे को एसएमपी के अंदर एक बिल्ड बनाना है एक हफ्ते के अंदर अंदर। लाइक आधे से ज्यादा बंदों ने बना रखा है, लेकिन अगर जिसने नहीं बना रखा ना, उनके लिए ये। एंड जैसे कि एसएमपी के अंदर जितनी भी पहले चीजें हो रखी हैं, ठीक है, जैसे कि इन ताहिर एंड सकलेन एंड जॉर्ड बीस्ट की वॉर चल रही थी अभी लेटेस्ट के अंदर, तो ये सब रुक जानी चाहिए। जो भी पास्ट में हो चुका है ना, वो रुक जाना चाहिए। एंड जो अगर लड़ाइयाँ करनी है ना फ्यूचर में और कर लेना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पॉन को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है?
एंड विदाउट रीजन कोई किसी को नहीं मारेगा. एंड एम्प्टी लोकेटर मैप जो है वो बैन है. सारे एम्प्टी लोकेटर मैप मेरे को दे देना एंड मैं उसको जला दूंगा. फाइनली वो मौका आ चुका है जब मैं इस एसएमपी का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ. एंड यू कैन बिलीव मैं एसएमपी के स्टार्टिंग से यही चाहता था कि मैं एक दिन एसएमपी का प्रेसिडेंट बनूँ एंड पूरी एसएमपी मेरे इशारों पे नाचे. एंड अब ये दिन आ चुका है एंड इट्स टाइम टू प्रूव देम आई एम द बेस्ट लीडर ऑफ दिस एसएमपी. एज पर द रूल मैंने भी एसएमपी के अंदर एक बिल्ड बनाया है जो कि एट द एंड कुछ ऐसा दिखता है. मेरे प्रेसिडेंट बनते ही एसएमपी को ज़्यादा ही पीसफुल हो चुकी थी. एक दिन मस्त हम सब वीसी में बैठ के चिल कर रहे थे एंड उसी मजाक मस्ती में एसएमपी में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी. इवन आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़. सो वो क्या है देखते रहिए. मेरी देख करेगा ना हेल्प पक्का. हाँ पक्का पक्का पक्का. चल इतना तो बोल ही रहा है तो ये ले ठीक है. इस मोमेंट पे क्या हुआ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. एसएमपी के अंदर ताहिर की एक स्वॉर्ड थी जिसका नाम है गॉड ऑफ थंडर. सो वो स्वॉर्ड समहाउ मेरी इन्वेंट्री में आ चुकी थी क्योंकि मैंने पास्ट के अंदर किसी प्लेयर को मारा होगा जिससे मेरे को वो स्वॉर्ड मिली थी एंड ताहिर की पहले वो स्वॉर्ड चोरी हो रखी थी. सो वो मेरी इन्वेंट्री में आ चुकी. ताहिर मेरे से मांग रहा था वो स्वॉर्ड एंड मैंने बोला कि हाँ ले ले लेकिन मेरे को फ्यूचर में तेरी हेल्प चाहिए तो करनी पड़ेगी. लेकिन गलती से मैं अपनी स्वॉर्ड दे देता हूँ उसको. मेरे को तुम लोगों से बस थोड़े जवाब चाहिए. एक मेरे को कौन ओ ओ गॉड ऑफ फायर मिल गई है क्या हो गया. रुक जा तुम मेरे को नहीं मार सकता. घंटा नहीं बनने वाला ठीक है. आया बड़ा मरना पड़ेगा. हार मार पाए मैंने बंदा ही एक बार मारूंगा. मैंने बंदा ही नहीं वो भी तेरी. मैंने बंदा ही नहीं है. ट्राई कर ले जो कर सकता है. सॉर्ड दे दे इज्जत से. मैं बता रहा हूँ तू तू बैन हो जाएगा वरना. अब आप सोच रहे हो कि ताहिर इतना अच्छा भी नहीं खेलता कि मैं उससे इतना डर रहा हूँ कि उसको मार भी नहीं रहा. सो भाई ताहिर भले इतना अच्छा नहीं खेलता हो लेकिन भागने के मामले में वो डीओपी से कम नहीं है. एंड ऑफकोर्स मैं तो उसको घंटा नहीं पकड़ सकता था तो और मेरे पे कोई चारा ही नहीं था. मैं करूँ तो करूँ क्या. वो कहाँ पे है. माइनस 300 और 1400. ये है ब्लैकहार्ट एसएमपी और ये हूँ मैं जो कि एसएमपी का सबसे डेडलीस्ट प्लेयर है. इसने एसएमपी के अंदर बहुत सारे कांड कर रखे हैं चाहे उसको मारना हो या फिर किसी को बैन करना हो या फिर पूरी एसएमपी को एक साथ सोलो करना हो या फिर पूरी गवर्नमेंट को अपने अंडर में ला के गवर्नमेंट को अपने सामने झुकाना. मैंने हर कांड कर मेरा एक हार्ट भी है इसी की वजह से मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा.
नेक्स्ट सीजन मैं पूरे डायमंड डालना है किसी को। बहुत गंदा मारूंगा तुझे, ताहिर ताहिर पैर छुड़ी दे, ताहिर सकलेन सकलेन पैर छुने दे। ताहिर तेरे चेहरा निकाल है, ताहिर भाई मान लिया रियल गॉड ऑफ थंडर। ताहिर कहाँ पे है, पैर टच करने दे जल्दी से, कहाँ पे है ताहिर? सीरियसली ताहिर भाई कोल्ड फायर को नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली कोल्ड फायर को नंगा नहीं होना चाहिए था, उसने गलत किया। हाँ ये बात है, ओवर कॉन्फिडेंस। तूने मारा किसे था? आई एम कोल्ड फायर वाज ट्रेन बाय टायर प्रो 5398 यूजिंग लेट्स गो ताहिर। लेकिन लिख तू मित्ते को मारने का ट्राई क्यों किया ये बता। इसको मन नहीं आ रहा था एकदम, मतलब बीस्ट नहीं। अरे भाई मरने के बाद पहली बार मरने का कौन बोलता है भाई, कुछ समझ में नहीं आता हमारा रोज क्या बोलता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू साला, We did not come this far to just break down and lose now. I'm a winner. I'm going to win. अब क्या करेगा आपका हीरो? Will he give up? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होंगी। अपना अस्तित्व तो बता दिए, एक दो मैच होने से नहीं। My God, what the heck was that? Cold fire, legit. Cold fire. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मरने के लिए भी रेडी होता है। Cold fire. Oh, let's go. Mar. मार मेरा लैग हो रहा है, मेरा लैग हो रहा है, गलत बात है। हेलो कोल्डफायर, हाँ बोलना वरना छोड़, ठीक 4 बजे एसएमपी के अंदर आ जाना, मुझे नहीं पता, बाय। हेलो कोल्डफायर। हेलो ताहिर, कैसा है मेरे भाई? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो तू शायद जिंदा लौटेगा। एंड वैसे तुझे याद है तूने मेरे से एक सवाल पूछा था, मेरे मरने के बाद मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? तो इसका जवाब सुन, मैं माइक म्यूट करके इतना ज़ोर से हंस रहा था ना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं बस यही चीज़ सोच रहा था कि अगर मैं बैन हो गया तो तेरा क्या होगा। You know what, Tahir? अगर मुझे तेरे को मारने के लिए मेरे आर्मर की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसमें मेरे लिए शर्म की बात है, मैं तेरे को बगैर आर्मर ही इजिली मार सकता हूँ। So are you ready, Tahir? लास्ट वॉर्न कर रहा हूँ, सोच ले। सोचते तो वो हैं जिनके मकसद क्लियर नहीं रहते, मेरा मकसद तो साफ सीधा है, तेरे को इस एसएमपी से बैन करना। सो कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
ये जगह याद रखना ठीक है, मैं वापस आऊंगा। आई डोंट केयर तू वापस आए ना आए, अनबैन हो या ना हो, बट इस बार मैं ही जीता हूं। याद है वो लोग जो मेरे पे हंस रहे थे जब मैं एसएमपी में पहली बार मरा था, जरा उनकी भी खातिरदारी तो की जाए ना, उनको कैसे छोड़ दें हम। ज्वाइन कर सकता हूं, नेवर ट्रस्ट गोल्ड पाइप ब्रो। तुझे पता है ना तू हंस रहा था जब मैं बैन हो रहा था, एंट्री ये फालतू की दी थी। माफ कर दो, एक्चुअली यू नो मेरे पे थे 14 हार्ट ठीक है, एंड मैंने इसको मारा तो मेरा भी है 23, तो आई थिंक एक और कहां गया आलू का मां ये। अबे यार मैं माफ नहीं वाला।